नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आज से बीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली के लिए फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है, लेकिन आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। माध्यमिक शिक्षक संघ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने साफ किया है कि मामला हाई कोर्ट में ग्रीष्मावकाश की छुट्टी के बाद सुना जाएगा और स्थगन के लिए, नई नियमावली के स्थगन के लिए याचिका दायर की गई है और जितने भी शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, इसके लिए भी याचिका दायर की गई है। तो ऐसे में नियोजित शिक्षक फॉर्म नहीं डालेंगे शिक्षक बहाली का। आपको बता दें कि सरकार ने कहा था कि नियोजित शिक्षक भी फॉर्म डाल सकते हैं और बीपीएससी के बाद परीक्षा होने के बाद ही उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। आपको बता दें जी फ्रेंड्स, अगर आप बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और पाना चाहते हैं पहली बार में ही सफलता, तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे चक्षु प्रकाशन की बहुत ही रेलिवेंट बुक के बारे में, जो कि हर स्टॉल पर अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी परचेज कर सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस शेड भी हर स्टॉल पर अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आपके लिए मिल जाएंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आज ही परचेज करें चक्षु प्रकाशन की बुकें। कि बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से आज शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वही दूसरी तरफ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के तरफ से गुरुवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव सह पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 की विसंगतियों एवं त्रुटियों के निराकरण के बिना ही सरकार के आदेशानुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने आवेदन पत्र आमंत्रित कर दिया है। ग्रीष्मावकाश के बाद 19 जून 2023 से पटना उच्च न्यायालय में पूर्व से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने वाली है, जिसमें आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के स्थगन और नियमावली में सभी कोटि के शिक्षकों को राज्यकर्मी के रूप में समायोजित करने की याचिका दी गई है। इसलिए लोगों को न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। विवेकशील शिक्षक जल्दबाजी में परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करेंगे और अपनी एकजुटता कायम रखेंगे, जिससे उनकी 20 वर्षों की वरीयता की हकमारी नहीं हो सके और उन्हें वेतनमान का भी आर्थिक घाटा एवं हीन भावना का शिकार नहीं होना पड़े। उन्होंने कहा कि शिक्षक संगठनों ने बार बार सरकार से वार्ता के द्वारा इस नियमावली में कई त्रुटियों के बारे में लिखित बताया, लेकिन सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। लगभग 100 विधायकों, विधान पार्षदों, गठबंधन एवं प्रतिपक्ष के नेताओं के लिखित समर्थन के बावजूद सरकार की हठधर्मिता बदस्तूर जारी है। यह लोकतंत्रीय स्वस्थ परंपरा के प्रतिकूल है। अभी तक पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियमावली में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। साथ साथ यह भी कहा गया कि पूर्व से कार्यरत 4 लाख से ज़्यादा शिक्षक एवं 2 लाख से अधिक रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों से मात्र 1,70,000 की विज्ञप्ति जारी की गई है। अध्यापक नियमावली की कंडिका 8, जिसमें कहा गया है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग से प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा, इसके संबंध में सरकार अभी तक मौन है। इस तरह यह नियमावली पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को बेरोजगार करने एवं नए अभ्यर्थियों को भी अनिश्चित काल तक बेरोजगार बनाए रखने की साजिश है। इस तरह परस्पर विरोधाभासी विसंगतिपूर्ण एक ही विद्यालयों में एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले 3-3 श्रेणियों में शिक्षक नियुक्ति करने की नीयत से प्रत्येक विद्यालय में अराजकता पैदा कर पठन पाठन को ठप करने की शिक्षा विरोधी कार्य है। तो आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षक संघ ने सीधे सीधी इस नियमावली का विरोध किया है और यह भी कहा है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो फॉर्म नहीं डालेंगे। और पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया है जिसमें इस नियमावली को स्थगित करने और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके सेवा का समायोजन करके उन्हें अस्थायी शिक्षक में तब्दील करने की भी याचिका दी गई है। तो आपको बता दें कि नई शिक्षक नियमावली 10 अप्रैल को सरकार के द्वारा लाया गया और उसमें कहा गया कि अब बिहार में अस्थायी शिक्षक यानी कि सरकारी कर्मचारी का जिन्हें दर्जा मिलेगा उन्हें बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी और बीपीएससी ने 30 मई को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया और आज यानी कि 15 जून से इसको लेकर फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 12 जुलाई तक चलेगी। तो
तो देखिए आगे क्या होता है। पटना हाई कोर्ट खुलने के बाद इस पर सुनवाई होगी और आगे जो भी निर्णय होगा उसके हिसाब से ये तय होगा कि बिहार में शिक्षक की बहाली हो पाती है या फिर सरकार को कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।